What's up guys, this is Nikhil Chaudhary, welcomes you on Nikhil Chaudhary Fitness. So guys, आज हम बात करेंगे कि जो shoulders की आपकी mistakes हैं उन पर, कि आपके shoulder क्यों grow नहीं कर पा रहे हैं, आप shoulder का workout तो proper करते हैं, break नहीं करते हैं, लेकिन आपके shoulder जो है grow नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कुछ आप mistakes कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, जिनकी वजह से आपके shoulder grow नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या mistakes हैं। तो सबसे पहले mistake के बारे में बात करते हैं जो front row पर हम लोग करते हैं। तो जो गैप आपको रखना है शोल्डर की रोड का, वो आपके शोल्डर से जो है शोल्डर थोड़ा सा बाहर आपके रोड को होल्ड करना है सबसे पहले। तो अब ऊपर इसको लिफ्ट करो, जो आप नॉर्मली लिफ्ट करते हैं रोड को, आप अपने शोल्डर को इस तरीके से चला रहे होते हैं, ये ऐसे शोल्डर चला रहे होते हैं जिससे आपके शोल्डर ग्रो नहीं कर पाते। आपको अपनी एल्बोस को फ्रंट पे रखना है, फ्रंट पे रखना, ये इस तरीके से बंद करना और चिन तक अपने रोल को नीचे लाना है और चिन से लिफ्ट कर देना है, चिन से नीचे नहीं लेके जाना और ऊपर पूरा सीधा इसको लेके जाना है। कोहनियां आपको ट्राई करनी है कि इस तरीके से सीधी रहे, बस। Let's talk about the second mistake of shoulder, जो हम लेटरल रेज में करते हैं। लेटरल रेज में जो हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हम लेटरल रेज ले रहे होते हैं, तो हम अपने एल्बो को अंदर की साइड रखते हैं, हाथ को अंदर की साइड रखते हैं और शोल्डर को भी पूरा ऊपर तक नहीं खींच के लेके जाते हैं, जबकि हमें जो ये करना है इस सेट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम लोड मिले आपके लेटरल पे। ऐसे हाथ को पूरा खोल के और ऊपर तक बिल्कुल, और कोशिश करेंगे ऊपर इसको कम से कम हाफ सेकेंड का पोज दे लाइक दैट, तो आपको अपने शोल्डर में बहुत अच्छी ग्रोथ फील होगी। थर्ड कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो सभी करते हैं शोल्डर्स में। शोल्डर्स की जो ग्रोथ होती है वो रेयर डेल्टॉइड की वजह से काफी अच्छी होती है। रेयर डेल्टॉइड अगर आप अच्छे से परफॉर्म करें तो आपकी शोल्डर की रिज और शोल्डर की ग्रोथ काफी अच्छी नजर आएगी, लेकिन इसमें मोस्टली जो है सब गलतियां करते हैं। तो आप जब रेयर डेल्ट का सेट लेते हैं, आप बेंट रेयर डेल्ट, तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक आप करते हैं वो आपको नहीं करनी है, उसको सुधारना है। क्या करते हैं कि जब आप रेयर डेल्ट जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है कि जब आप रेयर डेल्ट ले रहे होते हैं तो इसमें आप अपनी एल्बोज को पीछे की साइड लेके जा रहे होते हैं ऐसे, जिससे आपके शोल्डर पर तो कम इफेक्ट जाता है, आपके ट्रैप्स पर ज्यादा इफेक्ट जा रहा होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी एल्बोज को फ्रंट पर रखें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपनी एल्बोज को फ्रंट पर रखेंगे और ऊपर जाके हाफ सेकेंड का पोज देंगे तो आपको उतना ही ज्यादा इफेक्ट शोल्डर पर मिलने वाला है, और रेयर डेल्ट अगर ग्रो करेंगे तो शोल्डर ग्रो करेगा। जो फोर्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं शोल्डर की, जो डंबल प्रेस करते हुए नॉर्मली हो जाती है, कि इसमें जब आप डंबल प्रेस ले रहे होते हैं तो आप डंबल को हाफ मोशन में चला रहे होते हैं इतना, जिससे आपके शोल्डर पर लोड नहीं आ रहा होता। आपको इसमें डंबल को कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है, पूरा नीचे तक लाना है और फिर ऊपर तक लेके जाना है, जो आपके शोल्डर को ग्रो कराने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अपराइट रोइंग की मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। अपराइट रोइंग जो होता है वो दो तरीके से लिया जाता है, दो मोशन के लिए होता है, एक तो ट्रैप्स के लिए उसको हम यूज करते हैं, एक करते हैं फ्रंट बेल्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप्स के लिए। जब आप ट्रैप्स के लिए इस सेट को परफॉर्म कर रहे हो तो रोड को आपको ट्रैप्स के इक्विवेलेंट ही होल्ड करना है, और जो आप लोग करते हैं इसको हाफ मोशन में इसको मूव करते हैं, ये आपको कंप्लीट मोशन में इसको चलाना है और नीचे आते टाइम कोशिश करेंगे कि आप ट्रैप्स को स्क्वीज करें, जितना ज्यादा स्क्वीज करेंगे उतना ज्यादा ट्रैप्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब दूसरी बात करते हैं जब आप इसको फ्रंट डेल्ट के लिए ले रहे होते हैं, जब आप फ्रंट डेल्ट के लिए इसको ले रहे हो तो अपनी ग्रिप थोड़ी बड़ी कर लें, बिल्कुल फ्रंट डेल्ट के सामने लगा लें। अब आपको ये बिल्कुल सीधी ऊपर उठानी है और नीचे बिल्कुल इसी मोशन में लेके आनी है, इसमें आपको बिल्कुल भी ट्रैप्स को स्क्वीज नहीं करना, तो आपके फ्रंट डेल्ट पर चली जाती है, ठीक है।